मेरा पोटा सिल्क हद सिल्क कला आपको देखने को मिलेगा। भेलपुरी हो गया, पापड़ी चाट हो गया, पंजाबी भेल हो गया, तमाम। क्या कैसा लगा? अच्छा है। ये तो है। और कस्टमर के साथ बार्गेनिंग वगैरह चल रही है, खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, खरीदने को। काफ़ी खादी भंडार है और जहाँ पर सारी चीज़ें आपको, सारे जो भी तौलियाँ कपड़े हैं खादी के मिलेंगे। इस समय मैं चौका घाट के ड्रीमलैंड मेले में, यहाँ सिल्क क्लास से रिलेटेड प्रदर्शनी लगती है और उसी से रिलेटेड यहाँ मेला भी लगता है और कई सारे साथ साथ झूले और कई सारी चीज़ें लगती हैं। तो 10 रुपये इसका एक एंट्री फीस है टिकट, और ये एंट्री गेट है। झूले वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को, और आज बात यहाँ है कि सिल्क कला से रिलेटेड यहाँ सिल्क कला प्रदर्शनी लगता है। तो अभी मैं अंदर चल रहा हूँ। इस समय मैं चौका घाट के अर्बन हॉट में मेले में आ गया हूँ। यहाँ दोस्तों सिल्क कला से रिलेटेड प्रदर्शनी लगती है और उसी के साथ साथ झूले वगैरह कई सारी चीज़ें। तो अभी अंदर चलते हैं और यहाँ क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसके बारे में आपको हम दिखाएंगे विस्तार। ये अंदर मैं आ गया हूँ और ये एक शिल्प कला प्रदर्शनी में ये आपका ये सबसे नंबर गेट गेट के पहले ही ये कुछ चेरा पोटा सिल्क हद सिल्क कला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा जो घरों में सजावट के लिए और देखी जा सकते हैं। चेरा पोटा गोरखपुर से आए हैं चाचा, यहाँ डेली लगाते हैं मेले में, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस मेले में केवल झूला ही नहीं, कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, फर्नीचर वगैरह भी यहाँ आपको दिखाई है। राजनपुर वुडन एंड हैंडक्राफ्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आकर आपको ये सारी चीज़ें फर्नीचर के बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, खरीदने को जैसा भी आप चाहते हैं। यहाँ आपको चॉइस के हिसाब से आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों यहाँ फर्नीचर से लेकर के मैट तक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें, ये भदोही वाला मैट बनाने वाले भैया हैं और कस्टमर के साथ बार्गेनिंग वगैरह चल रही है। ये आपका मैट है, बहुत ही बड़ा डाइनिंग हॉल में लगाने लायक। दोस्तों ये टोरा झूला है, ये आपका चौका घाट के मेले में मिल जाएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आकर के। और बगल में ही ये फूड स्टोर आपको दिख जाएगा, यदि मेले से आप थक करके आपको भूख लगती है तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी आप। तो यहाँ पर इस चौका घाट के मेले में आया था तो यहाँ पर भेलपुरी वाले भैया हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड होते हैं भेलपुरी खाने के, भेलपुरी हो गया, पापड़ी चाट हो गया, पंजाबी भेल हो गया, तमाम सब बनाते हैं, ये सब प्रोडक्ट है बम्बई का। का थोड़ा बैनर है, जय महाराष्ट्र पानीपुरी, बम्बई से आकर के यहाँ बनारस के चौका घाट में मेले में पानीपुरी खाया, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट है और चटपटा है, अच्छा है। तो ये गुप्ता जी भैया के पास महाराष्ट्र पानीपुरी, यदि आते हैं तो ट्राई जरूर करिए। ये अपना चटनी, टोमेटो सॉस, मीठी चटनी, तीखी चटनी और आलू वगैरह कुछ है, क्योंकि बहुत ही स्टाइल अपना लगाते हुए महाराष्ट्र। बता रहे भैया मुंबई से हैं, मुंबई से आके यहाँ बनारस के चौका घाट मेले में भेलपुरी लगा रहे हैं। शाही भेलपुरी ट्राई जरूर करिएगा। ये भैया है, भैया भाभी, जो कि भाई के साथ पापड़ी चाट का। दोस्तों इनसे पूछते हैं कैसा लगा, तो भैया कैसा लगा? अच्छा है। ओ, ये तो है बनारस में, ये तो हर जगह देखने को मिलेगा। हाँ, ये भैया दोनों जन आए हैं और ये भैया।
नए नए कपल है और ये भेलपुरी चाट भंडार के पास आए हुए हैं थोड़ा भेलपुरी टेस्ट करने। भेलपुरी बहुत ही स्वादिष्ट है, यदि आप यहाँ आते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। निशानेबाजी हर मेले में आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप ये न्यू इंडियन गन शूटिंग 20 रुपए में 200 6 शॉट है, यदि आप आए तो मेले में इस शॉट को जरूर ट्राई करें। और इधर लेडीज शॉप भी है, यदि इधर आते हैं तो लेडीज चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। शूज, सैंडल, चप्पल जो भी है कुछ इस तरह से दिख रही हैं। चौका घाट मेला, राजस्थानी अचार, तो अचार की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यदि आप आते हैं तो आपको चौका घाट मेले में आपको सारे अचार मिल जाएंगे, बच्चों के खेलने की चीज़ें। ये दोस्तों घरों में रखने की चीजें, बजाने की चीजें, सारे खिलौने इस तरह से भाई लोग हैं। और ये शॉप है दोस्तों, यहाँ पर आइए। और ये शिल्पकला, तो शिल्पकला प्रदर्शनी चौका घाट मेला, स्तंभ जो कि हर दफ्तर में देखने को मिलता है, सरकारी दफ्तर में अशोक स्तंभ। दोस्तों ये लकड़ी का, ये जो भी यहाँ पर जितने भी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये सारे लकड़ी के प्रोडक्ट हैं, जो कि भाई से पूछा हमने तो भाई ने बताया कि ये मोदी जी के द्वारा प्रमोटेड कलाएं, हस्तकलाएं, लकड़ी की सारी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ देख रहे हैं सारी चीज़ें लकड़ी की हैं। यहाँ पर ये छोटा सा बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, पानी को इकट्ठा करके और उसमें बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ब्रेक डांस, छोटे बच्चों का भी है। चौका घाट में काशी खादी भंडार है और जहाँ पर सारी चीज़ें आपको, सारे जो भी तौलियाँ कपड़े हैं खादी के मिलेगी। जैसा कि ये भैया बता रहे हैं, ये जो तौली आप देख पा रहे हैं ये तौली बहुत ही फेमस है और यहाँ पर कई सारे लोग लेकर जाते हैं। और ये देख रहे हैं खादी के कपड़े, यदि आप खादी में इंटरेस्टेड रखते हैं तो यहाँ पर खादी के सारी चीज़ें, सारे कपड़े भैया आपको उपलब्ध कर। लेडीज़ कुर्ती, लेडीज़ भी खादी का शौकीन होती हैं, तो लेडीज़ और जेंट्स आपको, ये जेंट्स शर्ट है जेंट्स कुर्ता, तो यदि आप इंटरेस्ट, जैसे बहुत ही प्यारा कलर है, यदि आपको अच्छा लगता है खादी तो यहाँ ज़रूर आइएगा। चौका घाट के मेले में आपको खादी का तौली और खादी का शर्ट और कपड़े सारी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे स्टॉल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सामने बच्चों के झूलने की चीज़ें, मिकी माउस झूला, झूला या ऐसे कूदने की चीज़ें कहेंगे, बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कूदने में। मिकी माउस आपका ड्रैगन, सुपर ड्रैगन, उसका 6 साउंड है, तो होगा 50 रुपीज़। ये रेट आपको हर जगह मिलेगा। मैं प्रयागराज भी गया था तो वहाँ भी 50 रुपये पर हेड, हर झूला 50 रुपये, 60 रुपये जैसे भी है। अब ओनली 30 रुपीज़ वाटर बोर्ड, इस तरह से दिख रहा है वाटर बोर्ड और सामने आपका होगा। तो कैसे चल रहा है ये देखिए, ये जनरेटर है और इसका ऑपरेटर वहाँ है, जैसे जैसे ऑपरेट कर रहा है वहाँ से हैंडल, और ये ऊपर आपका
वही प्रोसेसिंग इसमें भी है। एक सब्सक्राइबर के द्वारा मतलब कि रिक्वेस्ट था, तो उनके रिक्वेस्ट पे ये चौकाघाट मेले में आए हुए हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी यहाँ लगती हैं, तो यदि प्रदर्शनी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे आपको झूले वगैरह भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ये आपके बगल में लेडीज स्टॉल आपको स्टेशन है, यहाँ लेडीज उत्तराखंड हैंडी क्राफ्ट स्टॉल है, यहाँ पर आपको लेडीज एक चीज़ें आपको देखने को।